2017 में जंगल और जंगली हयात की हफाजत के सिलसिले में महकमा वाइल्ड लाइफ और दीगर एनजीओस के तमन से एक काम शुरू हुआ। माशाल्लाह मैं बग़ैर किसी मुबालगाराई के ये कहते हुए मुझे ज़रा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें कोई गलत बात हो रही है, झूठ बोला जा रहा हो। बिलखसूस रियाड़, जिसको यहाँ मकामी ज़बान में रियाड़ कहते हैं, जो कि दुनिया पे नापैद हो चुका था, माशाल्लाह उसकी कंजर्वेशन इस कदर हुई है, मकामी आबादी ने जो तंजीमात बनी है कंजर्वेशन के हवाले से और महकमा वाइल्ड लाइफ के तावन से, गवर्नमेंट के तावन से, मुख्तलिफ एनजीओस के तावन से और इस पर रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारे कई यंग मैन भी आते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं जिनके तजर्बे से हमने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। अभी ये मैं कहते हुए बड़ी बड़ी, बड़ी खुशी हो रही है, एक तरफ अजान हो रही होती है सुबह की नमाज के लिए और दूसरी तरफ चीर फेजेंट जो हैं रियाड़ जो हैं उनकी जो आवाज़ें निकल रही होती हैं और वो 400 होती हैं, तो कई लोग देखते हैं भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो जिधर देखा जाए तो वहीं से आती है। मेरे ख्याल इसकी कंजर्वेशन के लिए मैं बोलता सुनता हूँ। चीर फेजेंट का जिनाह गेम रिजर्व के अंदर पाया जाने वाला एक मशहूर परिंदा है, तो ये खूबसूरत होने के साथ साथ ये परिंदा बड़ा सिंपल सा परिंदा है। ये एक तो आबादी के बिल्कुल करीब करीब रहता है, सुबह शाम में ये अपनी जो है आवाज़ें निकालता है, जिससे पता चलता है इसकी मौजूद का भी हमें पता चल जाता है यहाँ पर रहता है। चीट फिजन जो है ये पाकिस्तान में एक नायाब परिंदा है, पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है, ये आज़ाद कश्मीर कुछ इलाकों में पाया जाता है, वो भी कम मकदार में, लेकिन गजनाक एम रिजर्व में ये परिंदा वाफर मकदार में पाया जाता है और इस जो है ये इसकी काफ़ी ज़्यादा तादाद यहाँ पे मौजूद है, इसकी अफजाए मौजूद है। इसका जो ब्रीडिंग का सीज़न है ये तकरीबन मार्च और अप्रैल में शुरू होता है, मादा जो चीट फिजन है वो अंडे देती है और उसके बाद जो है वो तकरीबन 8 से 9 बच्चे इसके सालाना जो है वो एक मादा जो है वो तकरीबन पैदा करती है।